हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो मूवीज के बारे में बात करने वाला हूं। 1986 में मिथुन चक्रवर्ती की एक मूवी आई थी जिसका नाम था शीशा, उसके बारे में बात करेंगे, उसका मैं आपको रिव्यू दूंगा। साथ में 2019 में सेक्शन 375 नाम की मूवी आई थी अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की, उसकी भी बात करेंगे, उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा और इन दोनों मूवीज का एक कंपैरिजन भी करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों मूवीज को मैं एक साथ क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप ना जानते हो तो ये दोनों मूवीज एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, टॉपिक ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। डिफरेंस है इनके एरा में। शीशा मूवी आई थी 1986 में और सेक्शन 375 आई थी 2019 में। सो 33 ईयर्स का इन दोनों मूवीज में डिफरेंस है, एरा का डिफरेंस है। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है चीजों को दोनों एरा में, उस पर बात करेंगे। तो पहले तो शीशा मूवी की बात करते हैं। शीशा मूवी में मिथुन चक्रवर्ती के साथ दो हीरोइने थी, मुनमुन सेन और मल्लिका साराभाई। तो मैं आपको इसकी स्टोरी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उससे मूवी का थोड़ा मजा खराब हो जाएगा। इस मूवी की स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, एक ही ट्रैक पे चलती है। तो ये जो शीशा मूवी है इसको हम एक सोशल थ्रिलर कह सकते हैं और इसमें कोर्ट रूम ड्रामा आता है फिर, पर वो एंड में है, क्लाइमेक्स में है। सो ये एक सोशल थ्रिलर मूवी है और साथ में इसको मैं एडल्ट मूवी की कैटेगरी में भी रखूंगा, जैसे जो इसका टॉपिक है। इसके अलावा कुछ इसमें डायलॉग्स है और जो इसमें कुछ सीन्स भी है। सो इट इज इन द कैटेगरी ऑफ एडल्ट मूवी और ये सीरियस मूवी तो है ही एक सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, पर साथ में एंटरटेनिंग भी है। इसमें कहीं पे कुछ बीच बीच में कॉमेडी सीन्स भी है, कॉमेडी डायलॉग्स भी है, जिस तरीके से दिखाया कि सोसाइटी कैसे उस पे रिएक्ट करती है पूरी सिचुएशन पे। और ये शीशा मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और थोड़ी अब बात सेक्शन 375 की भी की जाए, 375 ये जो मूवी आई थी सेक्शन 375, इसमें अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा थे, दोनों वकील थे उसमें। हाँ, शीशा मूवी में मिथुन चक्रवर्ती और जो एक्यूज्ड है वो पर्सन है और मुनमुन सेन उनकी वाइफ है और मल्लिका साराभाई वो लड़की है जो एम्प्लॉय होती है मिथुन चक्रवर्ती की कंपनी में। मिथुन चक्रवर्ती उस कंपनी के बॉस दिखाए हैं कि जो उनपे एक सेक्सुअल हरासमेंट का चार्जेस लगाती है, रेप अटेम्प्ट का। तो एक डिफरेंस तो ये भी है दोनों मूवीज में कि जो इम्पोर्टेंस दी गई है, तो शीशा मूवी में वकीलों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा जोर है, ज्यादा उनको उनके कवरेज दी है। पर सेक्शन 375 में आप देखिए दोनों वकील थे, उन्हीं के कंधों पे ये मूवी टिकी थी। सो एक ये डिफरेंस है कि उसमें कोर्ट रूम ड्रामा ज्यादा था सेक्शन 375 में, शीशा में कोर्ट रूम ड्रामा कम है। बाकी स्टोरी इन दोनों की अलग है, अलग है, डिफरेंट है। आपने अगर कोई एक मूवी भी देखी है तो आप ये सोचे कि दूसरी शायद वो बिल्कुल सेम स्टोरी होगी, सेम तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं है। स्टोरी डिफरेंट है, इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और जो मेरे को डिफरेंस लगा दोनों मूवीज में कि जो सेक्शन 375 थी ये मेरे को काफी ड्रामेटिक लगी थी, इसमें काफी उतार चढ़ाव थे। तो ये कितनी रियलिस्टिक थी इसके बारे में तो जो लॉयर्स है जो एक्टिवली इस फील्ड में इन्वॉल्व है वो बता सकते हैं कि क्या उस तरह के केसेस, उस तरह की स्टोरीज रियल में भी हो रही है। तो उसकी मैं मेरे को लगा कि उस मूवी में थोड़ा सा लिबर्टी डायरेक्टर ने ज्यादा ली है, पर जो शीशा मूवी है ये मुझे लगा कि काफी रियलिस्टिक मूवी लगी। और ये क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाए तो इस मूवी से एक हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, लगता है कि मे बी एक रियल लाइफ इंसिडेंट का ही पूरा ये दिखाया जा रहा है मूवी में। सो मेरे को ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगी। पर अगर हम ड्रामेटिक और एंटरटेनमेंट पॉइंट से देखें कि अगर आप ज्यादा उतार चढ़ाव चाहते हैं तो वो इस मूवी में कम है, शीशा मूवी में। और मूवी तो दोनों ही अच्छी है, दोनों ही मेरे को बढ़िया लगी, बस दोनों का एरा अलग है, सो ट्रीटमेंट उस हिसाब से है। और मैं तो कहूंगा अगर आप इस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मूवी सेक्सुअल हरासमेंट पे, अगर कोई फीमेल जब मेल के ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा देती है, रेप के चार्जेस लगा देती है, तो क्या होता है? अब उसमें कौन विक्टम है? क्या लड़की सही है, लड़की विक्टम है, या लड़की फंसा रही है मेल को? ये दोनों मूवीज में मैं बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा।
कि किस तरीके से होता है और उसके फिर क्या सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं, सोशली एक एक्यूज की भी लाइफ में और जिसने चार्जेस लगाया इनकी लाइफ पे क्या असर आता है, किस तरीके से सोसाइटी रिएक्ट करती है, कोर्ट में किस तरीके से चलता है, ये सब इस दोनों मूवीज का कोर है जो हमें देखने को मिलता है। तो दोनों ही मूवी अपने अपने टाइम की अच्छी मूवी है। जो शीशा मूवी थी ये ज़्यादा हिट गई थी उस टाइम, एक बोल्ड मूवी मानी गई थी क्योंकि उस टाइम पे ये पहली ऐसी इंडियन हिंदी सिनेमा में मूवी थी जो इस टॉपिक पे बनी थी। सो इट वॉज अ मोर सक्सेसफुल मूवी कंपेयर टू सेक्शन 375। सेक्शन 375 बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा एवरेज या सेमी हिट ही गई थी, बट शीशा वॉज ए हिट मूवी। सो अगर रेटिंग्स देनी हो तो मैं इन दोनों ही मूवीज को 4 out of 5 की रेटिंग दूंगा। मुझे दोनों ही मूवीज इंटरेस्टिंग लगी, एक बार देखी जा सकती है अगर इस टॉपिक पे आप देखना चाहे, बट दोनों ही सीरियस मूवी है। और सेक्शन 375 अवेलेबल है अमेजन प्राइम पे एंड शीशा अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार।